आओ बड़े भैया आओ, देखो हमारे बाग में कितने ढेर सारे केले लगाए हैं। लेकिन ये अभी कच्चे हैं, इसलिए आपको खिला नहीं सकते। ओ मोटू, कल सुबह ये केले पक जाएंगे और जो भी इस केले को खाएगा वो सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसकी इंटेलिजेंस 1000 गुना बढ़ जाएगी। हाँ जय हो, सबसे पहले ये केले मैं खाऊंगा। Excuse me, can I please take the newspaper? पतलू, ये सब डॉक्टर झटका की दवा का असर लग रहा है, जो बंदर भी इंसानों जैसे इंटेलिजेंट हो गए हैं। इंसानों जैसे इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? इंसान बंदरों जैसे इंटेलिजेंट हैं? अपने पूर्वजों की जरा भी इज्जत नहीं करते तुम लोग। सॉरी बड़े भैया, सॉरी, गलती से बोल गया। अब कितनी बार ऊपर उड़ के नीचे गिरोगे, ये समझ लो कि अब मंकी किंगडम आ गया है। किसी को लॉन्ग ड्राइव पे चलना है क्या? ओए चोर, चोर पकड़ो! ओए! अरे मोटू पतलू, अरे बचाओ भाया, इन बंदरों ने तो जीना हराम कर दिया है। अरे जाने कहां से आ गए हैं। ओ तो ये मोटू पतलू तुम्हें बचाएंगे। तुम गर्मा गर्म समोसे बनाओ, तब तक हम इनकी सेवा करते हैं। अरे ये कैसी सेवा है, हेल्प, बचाओ! कोई डॉक्टर झटका को बुलाओ जल्दी। आउच, मोटू कुछ करो जल्दी। आइडिया, ए बंदरों हमें छोड़ दो, वरना वो देखो बॉक्सर आ रहा है, वो हमारा दोस्त है। बॉक्सर तुम सबको पीट पीट के ठीक कर देगा। क्यों बॉक्सर भैया? ओह, ये बॉक्सर हमें पीटेगा। दोस्तों चलो बॉक्सिंग करते हैं। ओए मोटू पतलू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओए बचाओ मम्मी! चलो यहाँ चाय नाश्ता कर लो, इस चाय वाले के समोसे बड़े ही फेमस हैं। चलो जल्दी करो। मैं अब भी आता हूँ, अब भी आया। डोंट फियर, वेन चिंगम इज हियर। ये सब क्या हो रहा है? पूरे शहर से फोन आ रहे हैं कि बंदरों ने हर जगह कब्जा कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? कैसे 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 कैसे? बाहर निकलो चिंगम सर, अपने आप ही देख लो। हेलो इंस्पेक्टर चिंगम, आज से ये पुलिस स्टेशन मेरा है। My name is Inspector Bum Bum. ये है हवलदार टम टम। ये नहीं हो सकता, तुमको अपना पुलिस स्टेशन नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे लड़ के हराना होगा, जो जीता पुलिस स्टेशन उसका। ओके, मंजूर है।
मैं फायर करूंगा, तुम देखो। ओके फायर। चीटिंग है, मेरा हेलमेट छीन लिया। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। अब मैं फायर करूंगा। डॉक्टर झटका ही अब हमें बचा सकता है, अब और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ओए कसम, मेरे मरीजों की एक बार छोड़ दो, फिर कभी फुरपुरी नगर में नहीं आऊंगा। बुढ़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मामोनी बचाओ। तुम्हारी जिस दवा से हमारी इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई है, वो कहाँ है? हमें वो दवा और चाहिए। और लेकिन क्यों चाहिए मेरे यार, अब तुम सब इंटेलिजेंट हो तो गए हो। उसकी जरूरत फिर कभी पड़ सकती है, वैसे तुम तो हमारे साथ हो ही, हम आपस में प्रेम भाव के साथ भी तो रह सकते हैं। अब तुम दोनों हमारी बिरादरी के हो, एक साइंटिस्ट बिना पूछ के अच्छा नहीं लगता है। क्या क्या हमारी पूछे निकल आएंगी? मोटू पतलू बचाओ। मोटू मेरे प्राण, मेरे पाई, देखो उन्होंने मुझे बंदर बना दिया। चलो अब यहाँ से निकलो जल्दी। जय हो सरदार की, जय हो सरदार की, जय हो। मैं तुम इंसानों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक तुम लोगों ने हमें रस्सी से बांध बांध कर नचाया, अब हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। आज तक हम नाचे और तुमने देखा, अब तुम नाचोगे और हम देखेंगे। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया, मोटू तुम समोसे खा के इनके सरदार को लड़ाई में हरा के भगा दो, सरदार भाग गया तो सब भाग जाएंगे। ओके, मैं चुपचाप चाय वाले के पास समोसे खाने जाता हूँ और मैं सरदार को चैलेंज करता हूँ। बंदरों के सरदार, आज मेरा दोस्त मोटू तुम्हें चैलेंज कर रहा है, जो जीतेगा वही फुरफुरी नगर में रहेगा, दूसरे को नगर छोड़ के जाना होगा। हाँ हाँ मंजूर है, कहाँ है तुम्हारा दोस्त मोटू? चाय वाले भैया जल्दी से समोसे दो। समोसे तो इन लोगों ने खा लिए, अब एक भी नहीं बचा है। पतलू समोसे नहीं है, अब क्या करूं? तुम मार खाओ, मैं समोसे का बंदोबस्त करता हूँ। एक जगह खड़े होकर लड़ो, भाग क्यों रहे हो? ये मेरा लड़ने का स्टाइल है। मोटू ये लो समोसे। Oh, my God.
मैं हार गया, बस मैं हार गया। हम जा रहे हैं दूर किसी जंगल में और वहीं पर अपना घर बनाएंगे। सरदार भैया, जब चाहो हमसे मिलने आना, लेकिन किसी इंसान को तंग नहीं करना, बस। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, नमस्कार। ओए, वो तो चले गए, अब हमारा क्या होगा? मेरी दवा का असर तो उन पर से जल्दी चला जाएगा, लेकिन उनकी दवा का असर कब खत्म होगा? हम ठीक होंगे कि नहीं मेरे यार? सरदार ने कहा है कि ये हमारी बिरादरी के हैं, इन्हें हम साथ ले जा रहे हैं। मोटू, डोंट वरी, झटका की दवा का असर खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बंदर भी और झटका भी। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। सॉरी भैया, सॉरी, देख नहीं पाया। मोटू पतलू, उन्हें पकड़ो, वो भागने ना पाए। मुझे यहाँ से निकालो, तुम्हें यहाँ से निकाले ताकि तुम भाग जाओ। मोटू पतलू इतने बेवकूफ नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? चिंगम सर, आप लॉकअप में क्यों है? पतलू चिंगम मैं हूँ, वो एक खतरनाक अपराधी है, मेरे चेहरे का मास्क लगा के पुरपुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे लॉकअप में डाल के उसके चेहरे का मास्क लगा दिया है। उसके दोस्तों को पकड़ के पुरपुरी नगर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों इसके चेहरे का ये मास्क निकाल के असली चेहरा देखो। इट्स एन ऑर्डर। बाय बाय, टाटा, सी यू। ओके सर, बाय बाय, टाटा, सी यू। इसकी मुझे तो असली है, निकलती ही नहीं। मैं भी असली हूँ, वो तुम्हें उल्लू बना गया। कानून की कसम, भारत माता की कसम, उसे नहीं छोड़ूंगा। पतलो, हमें जल्दी से उस अपराधी को ढूंढना होगा। अरे ढूंढ ही तो रहे हैं, लेकिन वो दिखे तो सही। अरे वो कौन है? कैसे छुप छुप के अपराधियों की तरह होटल की तरफ देख रहा है? लगता है वही हमारा अपराधी है, बच के जाने ना पाए। ये तो चिंगम सर है। सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर, हम उस अपराधी को पकड़ने निकले हैं। खबर है कि वो अपराधी उस होटल में छुपा है, इसलिए मैं बेस बदल के उस पे नजर रखा हुआ था। चिंगम सर, एक बार फिर से सॉरी, हम आपसे वादा करते हैं कि उस अपराधी को पकड़ के ही रहेंगे, अब हम भी भेस बदल कर जाएंगे। हम शेख मान नमान अब्दुल रहमान है, और ये है मेरी बेगम शेख हसीना बानो। मानो या ना मानो, वाला हमको अच्छी रूम मांगती। आप चिंता न करें मान नमान अब्दुल रहमान शेख साहब। मानो ना मानो, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हे बॉय, इनका सूटकेस उठा के रूम नंबर 420 में ले जाओ। खबरदार, सूटकेस को हाथ भी लगाई। क्या कर रहे हो शेख साहब? सूटकेस रुपयों से भरे हैं, इन्हें खुद ही उठा के चलो। उस
शेक के दोनों बैग रुपयों से भरे पड़े हैं। काश कि हमारे पास भी इतना पैसा होता। रुपयों से भरा बैग आज रात मेरे पास होगा। हेलो चिंगम सर, हमने सब ट्रैप लगा दिए हैं। वो चोरी करने आया तो बच नहीं पाएगा। वैसे आप कहाँ हो? मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में ही हूँ। चोर जैसे ही पकड़ा जाता है मुझे बुला लेना। होटल के सब रास्ते पे नाका बंदी है, वो भाग नहीं सकता। शेख अब्दुल रहमान, मान ना मान, मैं तेरा माल चोरी करके ले जाऊंगा। मोटू, लगता है चोर आ गया। बाय बाय टाटा सी यू। चिंगम सर जल्दी आओ, वो चोर बहुत चालाक निकला, हमें फिर से उल्लू बना के भाग गया। वो भाग नहीं सकता, होटल के सब रास्तों पे पुलिस बैठी है, वो कहीं अंदर ही छुपा होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। चिंगम सर हमें तो उतारो। चलो अब ढूंढो उसे, अभी भी वो होटल में ही होगा। मैं इस तरफ ढूंढता हूँ, तुम उस तरफ ढूंढो, वो जरूर किसी रूम में ही होगा। मैं तुम्हें पुलिस की अथॉरिटी देता हूँ, मैं जाता हूँ। बाय बाय टाटा सी यू। बाय बाय टाटा सी यू, ये तो चोर कहता है। अरे ये चिंगम सर का भेष बना के हमें उल्लू बना रहा है, उतारो इसका मास्क। सॉरी, गलती से मैं चोर का तकिया कलम बोल दिया। अरे मैं चिंगम हूँ। अरे ये तो चिंगम सर ही है, इनके मूछे भी असली है। सर फिर कभी बाय बाय टाटा सी यू मत बोलना, हम तो समझे थे कि आप ही चोर हो। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तुमको क्या दोष दूँ। अब जाओ और उसे ढूंढो। अरे पतलू आज तो बहुत मार पड़ेगी, उस चोर को भूल जाओ और अपनी जान बचाओ। सुनते हो जी, बच्चे अचानक बड़े हो गए हैं, कौन सा दूध ला के दिया है? अरे एक की तो मुझे भी निकल आई है, ये कौन सा दूध पिला रही हो इन्हें? अरे अरे ये हमारे बच्चे नहीं है। सॉरी, दूध भी ठीक है और बच्चे भी। बाय बाय टाटा सी यू। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर।
इन द नेम ऑफ लॉ। ये तो नकली है। ये हमारी चाल थी तुम्हें पकड़ने की। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल डागा। चलो, जेल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं सरेंडर करता हूँ, सिर्फ एक काम करने की आपसे परमिशन चाहता हूँ। बोलो 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 बोलो, परमिशन ग्रांटेड। मोटू पतलू, तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। मुझे फुरफुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना था और तुमने रुपयों के लालच में मुझे फंसा दिया। मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। थैंक यू। क्या तोहफा है? भैया माँ, क्या तोहफा है? चलो डागा, अब जेल चलो। ये दोनों मोटू पतलू की वजह से हमारी रात खराब हो गई। हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरे। हम भी इन्हें तोहफा देंगे। नहीं नहीं, और तोहफा नहीं, प्लीज।